नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन से लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर विज्ञान एग्जाम में आती है, रेलवे ग्रुप डी, SSCGL, CPO, MTS, CSL, DRDO, MTS, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, CTET, स्टेट, RTET, MPTET, फोर्स का एग्जाम या फिर कोई बैंक का एग्जाम जहाँ विज्ञान एग्जाम में आती है, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर। पहला क्वेश्चन है धोनी की गति धीमी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसमें धीमी होती है धोनी की गति? तो हवा में धीमी होती है, तो सी रहेगा राइट आंसर हवा में। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखना प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में आता है, तो सोना धातु को कहते हैं नोबेल धातु, यानी ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? किस फसल से होती है? तो ये होती है मटर से। जी फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट खाना पकाने वाले सोढ़े का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेंड्स ये स्पीड टेस्ट है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन यानी रिवीजन करवाया जा रहा है। खाना पकाने वाले सोढ़े का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। याद रखना सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? किस पदार्थ को मिलाया जाता है रबड़ को कड़ा करने के लिए? तो सल्फर को मिलाया जाता है, सी होगा राइट आंसर सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सबसे अधिक लवण कौन सा है समुद्र के पानी में? तो सोडियम क्लोराइड है, यानी फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लोह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है लोह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं, यानी ए रहेगा राइट आंसर ऑक्साइड, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जी हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस डी होगा राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेकिंग सोडे का सही सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? जी हाँ बिल्कुल चार होती है कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में, तो डी होगा राइट आंसर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो फ्रेंड्स 20 दांत दो बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में, सी होगा राइट आंसर 20 दांत, सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए इंसुलिन प्राप्त होता है। जी हाँ फ्रेंड्स किससे प्राप्त होता है इंसुलिन? तो याद रखना डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? किस आविष्कार के लिए? जीन के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया, तो बी होगा राइट आंसर, रेफ्लेसिया है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक कौन है?
तो फ्रेंड्स विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? तो याद रखना ओ ग्रुप होता है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ओ ग्रुप। नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो याद रखना सिकोवा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एस्प्रिन है, क्या है फ्रेंड्स एस्प्रिन? तो याद रखना आप लोग एंटीपिरेटिक है, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन? तो फ्रेंड्स स्तनी में किए जाते हैं, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? बताएंगे जल्दी से, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। देखिए HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो फ्रेंड्स एड्स है, तो डी होगा राइट आंसर एड्स। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या है? तो फ्रेंड्स एस्कोर भी कमल होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पुरुष जीन संगठन होता है, कौन सा होता है? जी हाँ फ्रेंड्स XY होता है, पुरुष जीन संगठन ऑप्शन बी होगा राइट आंसर XY। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण? तो फ्रेंड्स केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, तो डी होगा राइट आंसर, केवल दिन में। नेक्स्ट है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जी हाँ किसने समझाया? लेमार्क ने समझाया था जीव विकास को सर्वप्रथम, तो डी होगा राइट आंसर, लेमार्क डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स याद रखना फोटोसिंथेसिस, क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया, तो डी होगा राइट आंसर, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट दिया है इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? कौन सा है प्राकृतिक रेशा इनमें से? तो फ्रेंड्स ऊन एक प्राकृतिक रेशा है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? किसकी कमी से होती है रक्तहीनता? तो आयरन की कमी से होती, किसी कमी से? लोहे की कमी से होती है, तो डी होगा राइट आंसर, आयरन। नेक्स्ट दिया है देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स फीमर है मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी, तो सी होगा राइट आंसर, फीमर। नेक्स्ट दिया है मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? कितना? ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, वैसे होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग, सी होगा राइट आंसर, पत्ती। नेक्स्ट देखिए क्या है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? जी हाँ फ्रेंड्स याद रखना विटामिन ADE K ये सभी हैं वसा में घुलनशील, और विटामिन B और C हैं जल में घुलनशील, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी DKE। ठीक है नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा? सबसे प्रचुर पूछा है, तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किस अंग का रोग है ब्रोंकाइटिस? तो याद रखना ब्रोंकाइटिस फेफड़ों का रोग है, किसका रोग है? फेफड़ों का रोग है ब्रोंकाइटिस, डी हो जाएगा राइट आंसर, फेफड़ों का। नेक्स्ट दिया है BCG का टीका दिया जाता है,
किसके बचाव के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका? तो याद रखना, क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। सी रहेगा राइट आंसर, क्षय रोग से बचाव के लिए। नेक्स्ट दिया है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो याद रखना, कुष्ठ रोग है सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी। सी होगा राइट आंसर, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट दिया है, घावों के शिखर भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विटामिन सी है, घावों के शिखर भरने में सहायता करने वाला विटामिन। बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। नेक्स्ट है, अनुवांशिक कुट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? अनुवांशिक कुट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए। तो ए होगा राइट आंसर, डीएनए याद रखना। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा रहता है? घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो फ्रेंड्स उसका रक्तचाप घटता है। तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सी होगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से? विटामिन डी प्राप्त होता है। जी हाँ, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द का निर्माण किया, किसने किया था कोशिका शब्द का निर्माण? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। बी रहेगा राइट आंसर, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, बेरी बेरी रोग होता है, किस विटामिन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग? जी हाँ, विटामिन बी वन की कमी से होता है, विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ए रहेगा राइट आंसर, विटामिन बी वन की कमी से। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है? तो गलगन रोग होता है थायराइड हार्मोन की न्यूनता से। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? घरेलू मक्खी के कारण होता है कौन सा रोग? हैजा रोग होता है फ्रेंड्स, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। तो बी होगा राइट आंसर, हैजा रोग। नेक्स्ट है, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की, किस पर? आयु पर निर्भर करता है। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की आयु पर। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक है? तो फ्रेंड्स, हीमोफीलिया रोग क्या है? अनुवांशिक रोग है। तो बी रहेगा राइट आंसर, हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, जीव मंडल बनता है, किससे बनता है फ्रेंड्स जीव मंडल? तो याद रखना, जल मंडल, भूमंडल और वायुमंडल से बनता है जीव मंडल। तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट दिया है, जरावीक सेवन क्या है? जरावीक सेवन क्या है? तो फ्रेंड्स, कृत्रिम हृदय है जरावीक सेवन। बी होगा राइट आंसर, कृत्रिम हृदय। बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है अंडे में, ठीक है, विटामिन सी। तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? कौन सा विटामिन होता है ब्लड क्लोटिंग में सहायक? तो फ्रेंड्स, विटामिन के होता है। डी रहेगा राइट आंसर, विटामिन के। डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, मायोसिन प्रोटीन याद रखना पाया जाता है मांसपेशियों में। तो बी होगा राइट आंसर, मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो फ्रेंड्स, तना है अदरक का खाया जाने वाला हिस्सा। ए होगा राइट आंसर, तना। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं
पेड़ पौधे दिन में तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, कौन सी गैस? ऑक्सीजन। तो ये रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? तो फ्रेंड्स 72 टाइम्स, 72 बार, 72 टाइम्स पर मिनट, बी रहेगा आज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, सी होगा राइट आंसर, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? कौन सा पदार्थ है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत? तो फ्रेंड्स सोयाबीन है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत, बी रहेगा राइट आंसर, सोयाबीन, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? किसमें? मूत्र में होती है सबसे अधिक मात्रा यूरिया की, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाश्चराइजेशन का अर्थ क्या है? पाश्चराइजेशन का अर्थ है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुष्प रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प रचना। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जल से आती है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन, बी होगा राइट आंसर, जल से। नेक्स्ट है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, किस में अनुपस्थित होते हैं एंजाइम? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। देखिए क्वेश्चन दिया है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? वायरस में अनुपस्थित होते हैं एंजाइम, डी रहेगा राइट आंसर, वायरस में। नेक्स्ट है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो फ्रेंड्स लिग्निन है फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ, बी होगा राइट आंसर, लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अफीम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है अफीम? अफीम पाया जाता है पपावर सोमनीफेरम में, पपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है अफीम, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, विटामिन B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स रक्तलपता होता है विटामिन B6 की कमी से, तो ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, रक्तलपता, याद रखना। नेक्स्ट है, पेप्सिन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है पेप्सिन? पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है, किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है, तो ए रहेगा राइट आंसर, एंजाइम ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, सांस लेता है? कितनी बार? 16 to 18 times। तो फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर, 16 से 18 बार सांस लेता है एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है, कौन? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। क्वेश्चन दिया है, देखिए निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है? जी फ्रेंड्स कौन? हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता तब भी श्वसन करता है, तो सी होगा राइट आंसर, हाइड्रा। नेक्स्ट है, आयोडीन के चयनात्मक संचयन होता है, आयोडीन के चयनात्मक संचयन होता है किसमें? थायराइड में होता है, यानी फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर, थायराइड ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? किसके हृदय में होते हैं 3 भाग? तो फ्रेंड्स मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, तो बी रहेगा राइट आंसर, मेंढक। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है किसको, किस में बदल देता है पेप्सिन? तो फ्रेंड्स प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है,
वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? कौन है? इन्फ्लुएंजा है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग, यानी ए रहेगा राइट आंसर, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज है, क्या है प्याज? प्याज है बल्ब, शलकंद, यानी सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है, कौन करती है फ्रेंड्स? रंगापट करती है, आयरिस करती है, तो भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, इंसुलिन है, क्या है इंसुलिन? इंसुलिन एक हार्मोन है, क्या है फ्रेंड्स? एक हार्मोन है इंसुलिन, तो बी रहेगा राइट आंसर, एक हार्मोन। नेक्स्ट है, विटामिन B2 है, क्या है फ्रेंड्स? विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है रिबोफ्लेविन, क्या होता है? रिबोफ्लेविन होता है, बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व तो उपस्थित है? कौन सा तत्व तो उपस्थित है फ्रेंड्स रक्त हीमोग्लोबिन में? तो लोहा उपस्थित होता है, बी होगा राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा रहता है? जी हाँ फ्रेंड्स, बढ़ जाता है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, ए रहेगा राइट आंसर, बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव है, क्या है? पृष्ठ तनाव है, वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण, तो सी होगा राइट आंसर, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? कौन सा विटामिन बनाती है? तो फ्रेंड्स विटामिन डी बनाती है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षी होती है, जी फ्रेंड्स कौन होती है? तो प्रोटीन होती है प्रतिरक्षी, बी रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, किस रूप में संचित रहती है कोशिका में ऊर्जा? तो फ्रेंड्स एटीपी के रूप में रहती है, एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो फ्रेंड्स विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में, तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, विटामिन सी। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, तो बी रहेगा राइट आंसर, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्म सबसे लंबा है? इनमें से कौन सा वर्म सबसे लंबा है? तो टेप वर्म सबसे लंबा वर्म है, तो बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, टेप वर्म। नेक्स्ट है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फ्रेंड्स तना है आलू का खाया जाने वाला भाग, बी होगा राइट आंसर, तना, याद रखना। नेक्स्ट है, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणियों के लिए इनमें से कौन सी गैस आवश्यक है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन गैस आवश्यक है प्राणियों के लिए, सी होगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड्स सूर्य के प्रकाश से मिलता है, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अनावश्यक है? इनमें से कौन सा तत्व है पौधों के विकास के लिए अनावश्यक? तो फ्रेंड्स जिंक है, जस्ता है, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो फ्रेंड्स विटामिन बी और सी दो ऐसे विटामिन है जो सिर्फ पानी में घुलनशील, बाकी सभी वसा में घुलनशील, तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, विटामिन ए की कमी में कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, आंखों का रोग है, इसको कहते हैं रात का अंधापन, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है,
जहरीली पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स टॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहते हैं जहरीले पदार्थ को। तो ये रहेगा राइट आंसर टॉक्सिन। नेक्स्ट है एड्स की बीमारी फैलती है, किसके द्वारा फैलती है एड्स की बीमारी? तो फ्रेंड्स वायरस के द्वारा फैलती है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो चमड़ी का कैंसर होता है फ्रेंड्स रेडिएशन प्रदूषण से। तो ए होगा राइट आंसर चमड़ी का कैंसर। नेक्स्ट है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स आंवला है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर आंवला। नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं वेंचुरी मीटर से? तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है वेंचुरी मीटर से। तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया, इस फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो फ्रेंड्स चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।